बताएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भी मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. अजमेर एनएसवी द्वारा जितने भी प्राइवेट निजी कोचिंग सेंटर हैं और जो प्राइवेट निजी महाविद्यालय हैं, बीएड कॉलेज हैं, उनके अंदर मनमानी फीस वसूली की जाती है। और ऐसी जगह प्राइवेट या निजी कॉलेज कोचिंग सेंटर बने हुए हैं जहां ना तक अगर कोई घटना भी हो जाए आपातकाल जो दमकल विभाग भी नहीं पहुँच सकता है। और उनके अंदर जो मूलभूत सुविधा होती है जैसे कि उनके ग्राउंड मैदान होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, एक भी कोचिंग सेंटर के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। और जो ग्रामीण विद्यार्थी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए उनसे मनमानी फीस वसूली की जाती है। और जो स्कूल हैं निजी स्कूल हैं उनके अंदर डोनेशन के नाम से पैसे लिए जाते हैं। और जो बीएड कॉलेज हैं उनके अंदर इन्होंने धंधा खोल रखा है, एक विद्यार्थियों से अटेंडेंस के नाम से 30,000 रुपये महीने के ये लेते हैं उनसे। तो इसका हमने इस प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द हमें पूरी उम्मीद है एक कमेटी बनाकर कलेक्टर महोदय इन सारे जो निजी महाविद्यालय हैं उनकी जांच की जाए। आज एक अजमेर के अंदर हुकमचंद कॉलेज है उसके अंदर एक टाइमिंग के अंदर स्कूल भी चल रहा है और कॉलेज भी चल रहा है। विद्यार्थी काफ़ी परेशान है, हमारे पास ऐसे वीडियो भी पड़े हैं विद्यार्थियों के जो काफ़ी परेशान है और उनके अंदर ना तो कोचिंग सुचारू रूप से चलती है। तो इस प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन मांगों को मान लिया जाएगा। अगर कमेटी बना के जांच नहीं की जाती है तो मैं इस उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। हाँ ये बताइए कि इससे पूर्व भी ऐसा है ना, वो अभियान चला था उसमें क्या हुआ? पहले भी कोचिंग अवैध कोचिंग क्या रहा था उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई कार्रवाई की गई ना किसी से कोई बात की गई। तो उसको लेकर के हमने पुनः ज्ञापन दिया अगर जल्द से जल्द ये हमारी कार्य मांगों को नहीं मानी जाती है, 7 दिन के अंदर का हमने टाइम दिया है।